So, दोस्तों इंडिया को इंडिपेंडेंट होते हुए 71 साल हो चुका है, लेकिन क्या सोच इंडिपेंडेंट हुआ है? इस मुद्दे पे बात करने हमारे एक अजीज दोस्त एक पोएट्री लेके आ रहे हैं, प्लीज आप उसे सुनिए। तो दोस्तों कुछ बात ऐसी है कि हम लड़के चार थे और हम कलकत्ते में मूवी देखकर एक लोकल ट्रेन पर रिटर्न आ रहे थे, और उस लोकल ट्रेन के डिब्बे पर हम लड़के चार और सिर्फ एक लड़की थी, और उस लड़की के शक्ल पर इतनी ज़्यादा घबराहट थी जिसको मैं एक पोएट्री के माध्यम से आपको बयान करना चाहता हूँ कि वो घबराहट क्यों थी। मेरा पोएट्री का नाम है एक सवाल, तो सुनिएगा। डर नहीं लगता उस काले घने अंधेरों से, डर लगता है तो बस उस लड़की के उन बेबस नज़रों से। उस लड़की के आँख से आँख मिला सकूँ इतनी नहीं थी मुझमें हिम्मत, कोई बलात्कारी को अपने हाथों से मार सकूँ ऐसी नहीं थी मेरी किस्मत। उस लड़की के आँख से आँख मिला ना सका मैं, उसको ये एहसास दिला ना सका मैं कि हम तो कुछ नहीं करेंगे उसको, ना करने देंगे और किसी को। पर जनाब उस लड़की की भी गलती क्या थी? उसकी आंखें मानो यही सवाल पूछ रही थी मुझसे कि समाज ने अब तक किया क्या है, कि इस समाज ने अब तक फांसी चढ़ाया है किस किस को। अब मन ही मन यही सवाल करते होंगे कि इस समाज को फांसी चढ़ाना है किस किस को। अरे मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि इस समाज के अंदर फांसी चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं किस किस को। ना जाने कितने ही खून सूखे होंगे काट के चक्कर कोर्ट के, कितने ही केसेस बिखरे होंगे 2000 के नोट पे। क्योंकि देश के नेता तो कुर्सी पर बैठ कह देते हैं कि देखो ये देश सुधर रहा है, अरे पर उनको क्या पता कि किसी का घर का इज्जत बिखर रहा है। अरे आंख में काले पट्टी बांधने वाले कानून, मैं तुझसे भी एक सवाल पूछता हूँ, क्यों बुझा नहीं देती इस नफरत की आग को जो कितनों के मन में सुलग रही है? कि तू भी कर रही है अफसोस कि तुझे भी समाज की आदत पड़ गई है। जब दो स्टेशन के बाद वो लड़की ट्रेन से उतर गई और मानो मुड़ के मुझसे यही कहने लगी कि शुक्र है उसे इस बात का कि कल वो महज एक अखबार बन के नहीं छपेगी कल के अखबार में, जिसे लोग पढ़कर चले जाएंगे अपने घर के दरबार पे और कहेंगे कि गलत हुआ उस लड़की के साथ और करेंगे बड़ा अफसोस। अरे बंद करो ये अफसोस करना, अब करना है बस एक काम कि दुर्लभ मना दो बलात्कारियों को कि कुछ ना कर पाए काम, सजा दो उनको ऐसी कि समाज भी डर जाए लेने में ना। अरे ये संस्कृति तो माँ मानती है धरती को भी, अरे ये संस्कृति तो माँ मानती है धरती को भी, तो क्या हम बहन नहीं मान सकते एक लड़की को भी? लोग कहते हैं कि लड़की का घर से बाहर निकलना रेप की वजह है। लोग कहते हैं कि लड़कियों का घर से बाहर निकलना रेप की वजह है। अगर ऐसा है तो 8 महीने की बच्ची का रेप का गुनहगार उसका रिश्तेदार नहीं होता। कुछ बलात्कारियों के चलते हम लड़के बदनाम होते हैं, समाज को अपनी असलियत दिखा नहीं हम पाते हैं कि हमें भी करनी आती है लड़कियों की इज्जत, कि हमें भी करनी आती है लड़कियों की इज्जत, सब लड़के एक समान होते हैं यह कहकर ना करे हमको बेइज्जत। वो लड़की ने कुछ नहीं कहा मुझसे, पर वो काली राहत बहुत कुछ कह गई मुझसे। मानो वो कह रही थी, झूठी है तेरी ये 1947 की आज़ादी, झूठा है तू और झूठे हो तुम सब, कि जब भी बड़ा घटना होता है कहते हो तुम बहुत हुआ बस अब। अरे मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सब खत्म होगा कब? थैंक यू सो मच।